तो हम अपनी भारत यात्रा के दौरान बीकानेर में पहुंचे हैं, जहां पर एक शानदार पशुपालक से आपको मिलवाएंगे जो गाय पालन कर रहा है, जिसने कपड़े का व्यापार किया 14 साल तक। कपड़े का व्यापार त्याग कर अपने पैशन को फॉलो करते उसने गाय पालन को चुना। और जो किसान भाई हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाला घंटा भी जरूर दबाएं। दोस्तों, राजस्थान की तपतपाती गर्मी में, और इधर देख सकते हैं इधर सर का शेड है, अभी हम वहाँ पे चलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हीफर और काफ और बुल यहाँ पे रेस्ट करते हुए छाया में। और सर, राजस्थान के डेयरी फार्मिंग में क्या क्या चैलेंज है आप ये भी बताएं हमें, और उनको आपने कैसे फेस किया? सबसे बड़ा चैलेंज है सर राजस्थान में हरे चारे का, स्पेशली बीकानेर की बेल्ट में। जी जी, यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है, धूप बहुत ज्यादा है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाता है हमारे यहाँ पे। जी जी जी, ऐसे में मेंटेन करना हरा चारा मुश्किल है। जी जी, फिर उसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं हो पाता कई बार। जी जी, हरा चारा बाहर से खरीदना मुश्किल है। जी जी, हरा चारा नहीं होगा दूध टूट जाएगा सर जी। बिल्कुल। और ये तोप क्या है सर? सर, इसके अंदर हम हमारा चाटा मिलाते हैं, गायों का जो खाना है वो चाट बनाती हूँ। हाँ, गायों का सारा खाना इसके अंदर मिक्स करके सुबह शाम खिलाते हैं सर इसके अंदर। जी जी, तो ये पूरा आपने जैसे गुरुद्वारा में होता है वैसा बना रखा है। ये हमने सर लोहे का लिया है जी, ताकि गायों के शरीर में आयरन की कमी ना हो। ओके, ये आयरन की कमी को दूर करेगा जी, गाय सब चाटती रहती है, पूरा साफ कर लेती है। ओके, इनके बीच में रख देते हो आप? यही रहता है ये, और गायें इसके चारों तरफ खाती है। बीच बीच में भी मैं दिखाऊंगा, बच्चों पे भी हमने सर ऐसा लोहे का बनवा के रखा ओके, है। ओके, बच्चे ओके। भी उसी में खाना खाते हैं, बच्चों बिल्कुल की कमी नहीं होती। बिल्कुल, वहां पर भी हम चलेंगे। तो और सर, सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी है, गाय तो मैं आपको इनकी दिखाऊंगा ही, लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा जो सवाल है आपके लिए ये है कि आपने क्या कीड़ा हुआ कि शहर में रहते हुए कपड़े का व्यापार करते हुए कि आप इस काम में चले आए, इतने बड़े लेवल पे आ गए आप? सर जी, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, अच्छा दूध, अच्छा खान पान नहीं मिलता, अच्छा घी नहीं मिलता जी। मार्केट में सब नकली आ रहा है सर, तो अच्छी चीज की खोज में ही मैं यहाँ तक आ गया। चार गाय से शुरुआत करी थी सर। चार गाय से फिर कैसे 70 गायों तक पहुंचे? चार गाय लेके आए, लोगों को विश्वास हुआ, अच्छी चीज है, बढ़िया दे रहे हैं, लोग संपर्क में आए, धीरे धीरे दूध की डिमांड बढ़ती गई सर। जी जी, और हम भी दो तीन तीन करके गाय बढ़ाते गए, आज 70 तक काफिला आ गया। जी जी, तो आप बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली? सबसे पहला तो अच्छी गाय नहीं मिलती, देसी नस्ल नहीं मिलती, आपको अच्छा दूध नहीं मिलता, बहुत बदमाशी है सर इसके अंदर, सही प्राइस में नहीं मिलती जी। मिल्क बोलते कितना है, निकलता कितना है, बहुत समस्याएं, बहुत समस्याएं हैं ये। एक तो आपने बताया भी अच्छी गाय की समस्या है। हाँ, और दूध सही, दूध वाली गाय मिलना, दूध वाली गाय, नस्ल वाली गाय, आपको मतलब मिक्स ना हो, प्योरिटी की गाय, ब्रीड अच्छा हो, ये सब मिलना सर आज की टाइम में बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और फिर फेयर प्राइस, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, आप पैसे कितने खर्चोगे, फेयर प्राइस बहुत बड़ा, यानी कि इसके पास थोड़ी बहुत क्वालिटी होगी वो आपसे लाखों रुपए अठेगा, लाखों रुपए अठेगा, वो बड़ा मुश्किल है आपके लिए, हर बार इतने पैसे, नए बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है। तो फिर आपने कैसे, किस बजट में आपने गाय सिलेक्ट की, और आपने कहां कहां से किस किस ब्रीड की गाय? बहुत गायों में, गायों के लिए गांव गांव घूमे हैं सर जी, तो अंदर डीप गांवों में फिर भी आपको ठीक रेट में गाय मिल जाती है, आपको सर्च करनी पड़ती है। अब ब्रीडर के पास ना जाएं, आप गांवों में घूमें, अगर आपको गाय लेनी है, आप ब्रीडर के पास जाओगे सर, आप डबल ट्रिपल पैसे देके आओगे, और आप बेवकूफ भी बन पाओगे, क्योंकि वो आपको सर गाय का दूध कुछ बताएगा और एक्चुअल में कुछ निकलेगा। गांव वाले जो व्यक्ति होंगे सच बोलेंगे, जितना होगा वहां पर रहोगे तो आपको एक खान पान भी सब मालूम चलेगा, नेचुरल गाय क्या है आपको मालूम चलेगा। तो आप देख सकते हैं ये सर का नंदी है, और सर इस नंदी के बारे में आप हमें बताएं। ये राठी नस्ल का नंदी हम लेके आए जी, क्योंकि हमारे पास में अभी देशी के अंदर राठी नस्ल की काफी गायें हैं जी। मैं सभी जो गौ पालक है उनसे चाहूंगा कि आप लोग जो AI पे इतना डिपेंड कर रहे हैं, नंदी की तरफ जाएं जी। नंदी बिना गाय हरी करना बड़ी मुश्किल है जी, आप सही टाइम पे हीट को कवर नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो आपका मान लीजिए बाहर से आप कंपाउंडर बुला रहे हैं या जो हीट करने के लिए कवर करने के लिए बुला रहे हैं, सही टाइम पे नहीं आया तो आपका लॉस है, परफेक्टली वो कर नहीं पाया, इतना एक्सपर्ट ना हुआ तो भी आपका लॉस है। मेरे हिसाब से कुछ गायों में आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हैं, जहां पर आपको ब्रीड सुधार करना है, यहाँ पर ज्यादा, फिर भी एक नंदी मेरे हिसाब से 20 गायों पे, एक नंदी 20 से 30 गायों पे होना जरूरी है, नंदी बहुत ज्यादा जरूरी है, और 3 साल पे उसको चेंज भी करना चाहिए, डेफिनेटली चेंज भी करना, जब उसके बच्चे आ जाएं तो उसको निकालना भी जरूरी, बदलना भी पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो गायें वो फिर एक ही एक परिवार चलता रहेगा, इन ब्रीडिंग हो जाएगी, वो ब्रीड जो प्रोग्रेस नहीं करेगी। तो सर ये तो आपके नंद, कितने नंदियां सर आपके पास? मेरे पास 2 नंदी है अभी, 2 नंदी है, एक राठी में है, राठी का है, एक हमारे पास थार पार करने से और नंदी है। और सर मैं दिख पा रहा हूँ यहाँ पर आपके पास शानदार एक थार की भी गाय दिख पा रहा हूँ, एक वो गाय है, एक ये गाय, ये भी थार की गाय है, ये अभी ब्याने वाली है, ये थार की गाय है, वो देखो एक सामने बहुत
बहुत सुंदर एक थार की गाय खड़ी है, उधर आप देख सकते हैं जी दोस्तों, एक ये नाठी नस्ल की भी आप यहाँ अभी जी जी। और सर कुछ गाय मैं आपकी यहाँ पर थोड़ी कमजोर देख पा रहा हूँ, ये मौसम का असर भी है यहाँ पे जो है। पहली बात, इतनी गर्म शुरू हो गई है, अगर यही चीज वीडियो सर अपने 2 महीने पहले बनाते जी जी होली तक, तो सब गाय बड़ी तक अच्छी दिख रही थी, अशपुष थी। तो सर मैं देख पा रहा हूँ कुछ गाय तो आपके पास 100% प्योर भी हैं, बिल्कुल, और कुछ गाय आपके पास कुछ परसेंटेज में इनके ब्रीड करेक्टर उनमें भी कमजोर है, ये इस पे भी आप काम कर रहे होता ही क्योंकि अच्छी गाय मिलती नहीं है, अच्छी गाय मिलती नहीं है आपको, प्योरिटी की 100% प्योरिटी की गाय मिलना बड़ी मुश्किल है। जैसे हमारे पास आज 70 गाय खड़ी है, पर 100% प्योरिटी की बात करें तो लगभग 15 से 20 गाय ऐसी होगी जो पूरी प्योरिटी की तरफ चल रही है जी जी। बाकी कुछ गायें ऐसी होंगी जिनमें दूसरी नस्लों का मिक्सचर आ जाता है, वो सुधार हम करेंगे, बिल्कुल। नंदी महाराज इसीलिए है यहाँ जी जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप नंदी को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सर ये आपकी काफी सुंदर गाय बैठी है, इसके बारे में सर आप बताएं। ये थार की गाय है सर, थार मार्कर नस्ल की गाय है, दूध भी बहुत सुंदर दे रही है, 7 लीटर टाइम का कर रही है हमारे पास, 14 लीटर के 14 लीटर का दूध कर रही है हमारे पास। लैक्टेशन पीरियड कितना रहता है सर आपके पास यहाँ पे, कुछ बता सकते हैं? 9 महीने के आसपास हमारे यहाँ दूध दे देती है गाय, इस गाय ने दिया है जी जी। पिछली बार भी, ये दूसरी बार इसने हमारे यहाँ बच्चा दिया जी, और वापस दूध भी बढ़ाया है इसने जी। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुझे टॉप 3 समस्याएं बता सकते हैं कि आपको जो अब आती है। तो कंटिन्यू हमें दूध को मेंटेन करना है, बिल्कुल, क्योंकि अब इस लेवल पे हम आ गए हैं तो हमें हमारा दूध नहीं तोड़ सकते, चाहे जैसे अब गर्मी आ गई अब दूध टूटेगा जी, आगे गर्मी बढ़ेगी, तो सबसे बड़ी समस्या है दूध को टूटने की, हमें वो मेंटेन करना है जी। टूटने का मतलब मैं बता देता हूँ कि जैसे गर्मी आती है प्रोडक्शन डाउन चली जाती है, डाउन चला जाता है, क्योंकि ये भी जीव है, इनको भी गर्मी लगती है, या उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते जितना सर्दियों में करते हैं, क्योंकि गर्मियों में एक चैलेंज और होता है कि हरा चारा उतना मेंटेन रहता है जितना सर्दी में रहता है, उस कारण भी इसके कारण भी प्रोडक्शन डाउन जाती है। एक तो सर एक चैलेंज की बात हुई, दूसरा तीसरा भी कोई चैलेंज आप बताएं कि ताकि जो नए फार्मर्स हैं उनको एक बेसिक जो चैलेंज है उनके बारे में पता चल सके। मैं मेरे हिसाब से और एक्सपीरियंस से ये सोचता हूँ कि गायों को घूमने की जगह पर्याप्त है जी जी। आपका मैं देख पा रहा हूँ काफी दूर तक घूमती है, अभी तो दोपहर का समय, हमने गायों के घूमी, देखिए अभी तो छांव में बैठी है वो सब गायें वहाँ पे जी जी, कुछ गायें यहाँ पे भी छांव में बैठी है बाहर जी जी, ये सब अभी दिन में घूमती रहती हैं जी जी। तो गायों को आप घूमने, जितना गायें अच्छा घूमेंगी वॉक करेंगी और नेचुरल चरेंगी उतनी स्वस्थ रहेंगी आपकी गायें जी जी, यानी कि घुमाना बहुत जरूरी है जी। ओके दोस्तों, यहाँ पर गाय लगभग हर टाइम खुला ही रहती है, और हमारे साथ कुछ अच्छी गाय हैं, इनको मैं दिखाना चाहूंगा। एक ये आप राठी नस्ल की एक बहुत शानदार गाय यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर ये गाभिन है, अभी ये अभी ब्याई है, अभी ब्याई है, ब्याई है। हाँ, ओके, 20 दिन पहले गाय ब्याई है और 6 लीटर टाइम का कर रही है, 6 लीटर। और इधर आए, ये एक बहुत सुंदर गाय है हमारी, ये भी राठी नस्ल की है जी, इसको ब्याई लगभग 8-9 दिन हुए हैं, लगभग 12-10 लीटर टाइम कर रही है, 10 से 12 लीटर, बहुत अच्छा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ड्राई मैटर में गेहूं का भूसा खिलाया जाता है, और सर ग्रीन मैटर में क्या क्या खिलाते हो आप? किसमें सर जी? ग्रीन मैटर में, हरे चारे में। में सर हमारे यहाँ पे अभी जो है जवार चल रही है जी, उसकी कटिंग आ रही है, साथ में बाजरा दिया हुआ है जी, और जी। अगली सर हमारी मक्की तैयार है उधर, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, तो महीने भर बाद में सर हमारी मक्की शुरू हो जाएगी यहाँ पे जी। और सूखे चारे में सिर्फ आपको गेहूं का भूसी मिलता है? सूखे में गेहूं का, क्योंकि सर यहाँ मूंगफली का काफी मात्रा में राजस्थान में बीकानेर पोर्शन में मूंगफली उगाई जाती है, मूंगफली का चारा आता है जी, पर हम लोग नहीं देते हैं। मूंगफली में क्या है, स्प्रे बहुत किया जाता है, जहर की मात्रा बहुत है जी, तो इसलिए सर हम लोग मूंगफली का, ग्वार का नहीं सर यहाँ पे मिलता, ग्वार का काफी अच्छा रहता है, ग्वार का अच्छा रहता है, अधिक पशुओं में सर उसको बनाना मथना बड़ा मुश्किल है। ओके, तो ग्वार को हल्का सिजा के देते हैं, सर्दियों में दिया जाता है सर, सर्दियों में दिया जी, आप भी देते हो? हम भी देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी गाय सर की, देखो कितनी गर्मी है अभी भी, मेरे हिसाब से 43-44 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पर गाय आराम से बैठी जुगाली कर रही है, जुगाली कर रही है, और पेड़ के नीचे बहुत शानदार तरीके से एंजॉय कर रही है गाय। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कुछ गाय आपकी, मैं यहाँ पर थार पार्कर की गाय जहाँ खड़ी है झुंड जी जी, थार पार्कर की झुंड है, पीछे देखो काफ भी तैयार हो रही है, वो मां जी 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 जी, इधर ये इधर राठी आ गई, दो थार पार्कर बहुत शानदार बैठी है वहाँ पे। तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा जी, कि नया डेयरी फार्म शुरू करते हुए आपने गाय किस किस प्राइस में कौन कौन सी नस्ल की खरीदी, ताकि जो नए हैं हमारे दोस्त, शुरुआत में हमने शुरुआत थार पार्कर से ही शुरू करी थी जी, और हमने 43 गायें थार पार्कर करी, धीरे 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 दो दो तीन तीन करते इकट्ठी करी, 43 गायें इकट्ठी करी जी, थार पार्कर, थार पार्कर की नस्ल की, जो की हम लोग जैसलमेर बाड़मेर उस तरफ से लेके आए जी जी। और उन गायों ने आपको कितना उत्पादन दिया और किस प्राइस में आपको मिली?
शुरुआत में मिल्क हमारा 54 रुपए लीटर था, 54 रुपए लीटर, एक साल हमने 54 पे काम किया जी, उसके बाद में हमने 6 रुपए बढ़ा दिए जी। और आप बताएंगे कि प्रति गाय आपको कितने की गाय उधर से मिलती थी? जैसलमेर में आपको लगभग 40-45 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, 40 से 50 मान लो जी, मिल जाएगी गाय। 40 से 50 हजार में आपको गाय मिल जाएगी, गाय मिल जाएगी। कितने लीटर वाली की गाय की बात कर रहे हैं सर आप? 10 लीटर, 10 लीटर वाली, 10 लीटर दिन का, दिन का पर डे 10 लीटर। तो उसके बाद सर राठी में कैसे आपने कहाँ से ली? राठी हमारे बीकानेर बेल्ट की गाय है। हाँ, बीकानेर बेल्ट की गाय है। तो हमें यहाँ बीकानेर सूतगढ़ के बीच ली, पहले हमने वहाँ दूर घूम के वो गाय इकट्ठी करी, फिर आसपास में भी हम लोग घूमे तो कुछ अच्छी राठी गायें दूध के लिए हमें मिली। राठी गायों में थोड़ा दूध अच्छा हो जाता है जी, जी है A2 ही है। उसमें कोई कमी नहीं है कि हमने वो आपकी लोकल ब्रीड भी है, लोकल ब्रीड है, मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है जी। और 8 से 10 लीटर टाइम का भी मिल जाता है, 8 से 10 लीटर पर टाइम का मिल जाता है, टाइम का मिल जाता है, यानी कि 16-17-18-17-20 लीटर मिल जाता है जी। उसका प्राइस कितना वेरी करता है सर? गायों का प्राइस लगभग सेम रहता है, राठी भी आपको 50,000 के आसपास मिल जाती है, 50,000 मिल जाती है आपकी बेल्ट में, हमारी बेल्ट में। ओके, तो अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन की, क्योंकि आप कपड़े के व्यापार में होंगे तो कपड़े का व्यापार काफी अच्छा माना जाता है, तो मार्जिन भी अच्छा रहता है जी। और गाय पालन ऐसा है अभी इसमें ये कोई धंधा नहीं है, आप देशी गाय पाल रहे हो तो आप सेवा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कंपैरेटिवली अगर इकोनॉमिक्स हम इसकी देखी जाए तो इकोनॉमिक्स के यहाँ पे आप बताएं कि आपको 70 गायों से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी गाय और कपड़े के व्यापार से गाय का जो इकोनॉमिक है, अगर आप ये जोड़े कि पहले दिन से प्रॉफिट हो ऐसा नहीं है, नहीं है। आपकी कम से कम 100 गायें खुद की हो जाएं जी, खुद की अच्छे पशु बच्चे तैयार हो जाएं और दूध बढ़िया होने लगे जी। देशी गाय में इकोनॉमिक सबसे बढ़िया ये काम करता है कि खर्चा बहुत कम है जी, उसका खाने का खर्चा कम है, दूसरा दवाइयों का खर्चा ना समान है जी, क्योंकि इतनी गर्मी सहन कर लेती है 50 डिग्री की, ठंड सहन कर लेती है, हर मौसम में सूट हो जाती है, सेट है, कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको जी। तो इसलिए दूसरे खर्चे नहीं है देशी गाय के। ओके, जैसे आप 60 रुपए दूध बेच पा रहे हैं, अगर हम गाय का मूल्य ना लगाएं तो आज आपको आप खर्चा निकाल के कितने परसेंट प्रॉफिट है आपको 60 रुपए के हिसाब से? अगर गाय का मूल्य आप हटा देंगे और खाने के सिर्फ खर्च की बात करेंगे तो कोई बहुत बड़ा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। 50% आप बचा लेते हैं इसमें से? 40% तक बचा लेंगे आप, 40 से 50% बचा लेंगे आप जी। तो क्योंकि आपके यहाँ चैलेंजेस ज्यादा हैं, ग्रीन फोडर का बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा। अच्छी लगेगी वीडियो, अच्छी लगी है तो आगे काम आपका है, हम सिर्फ वीडियो बना सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।